आइए आज के सेशन में ना बात करेंगे कुछ कॉमन एरर की जो बेस्ड है आर्टिकल पर, चैप्टर वर्ब पे, कंजंक्शंस पर। कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं इसमें। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में रिपीट हो जाते हैं, मतलब कहने का है कि सेम क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स में, वो कभी भी संभव नहीं है। हाँ, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आते हैं, पूछे गए हैं कई बार और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आगे भी पूछे जाएंगे। बस आपको ज़रूरत है बेहतर तरीके से समझने की और दिमाग में इस तरह के कंसेप्ट को रखने की। याद नहीं करना पड़ेगा, ये याद हो जाएगा। क्वेश्चंस अगर सही से पढ़ लें, सही से अगर समझ जाएं, तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, ही वॉज AMLA नहीं NMLA। इसमें मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, बट जानिए ऐसा क्यों होता है, और जो नहीं जान रहे वो जानिए अच्छे तरह से। एम ऐसा लगता है कि कॉन्सोनेंट है, सही बात है, कॉन्सोनेंट है। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि ए और एन का यूज़ वॉवल के पहले होता है, AEIOU, AAEE वो रहेगा तो यूज़ करेंगे हम AN। ये चीज़ जानना चाहिए, कोई भी लेटर, लेटर कोई भी हो, लेटर लेटर कोई भी हो, कोई भी लेटर हो, ठीक है, सॉरी, कोई भी वर्ड हो वो स्टार्ट होता है भले ही कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन उच्चारण प्रोनंसिएशन अगर भौवल की तरह हो, हिंदी में प्रोनंसिएशन अगर भौवल की तरह हो तो फिर आर्टिकल ए नहीं करेंगे, एन करेंगे। जैसे एमएलए लिखते हैं क्या लिखेंगे, MLA ऐसा लिखेंगे, है ना, MLA। तो मेरे कहने का मतलब है कि MA ये क्या है, वॉवल है। अगर ये वॉवल है भाई साहब तो क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। उसी प्रकार आप देख लीजिए यूनिक, है ना, लगता है कि एन होगा लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यूनिक को जब लिखेंगे तो हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, यो यूनिक। तो यो जो है ये वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन यूनिक नहीं होगा, अ यूनिक होगा। तो मेरे कहने का मतलब था कि आर्टिकल का यूज़ प्रोनंसिएशन के हिसाब से होता है। प्रोनंसिएशन में अगर वॉवल आ रहा हो तो आर्टिकल ए या एन करेंगे, एन करेंगे, ए नहीं, एन करेंगे। और अगर प्रोनाउंसिएशन में वोवेल नहीं आके कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो आप ए करेंगे। तो ही वॉज AMLA नहीं, क्या हो जाएगा, NMLA, है ना। आगे देखते हैं, अगला सवाल है आप सबके लिए। माई ब्रदर इज द श्रवण कुमार ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेरा भाई श्रवण कुमार है मॉडर्न इंडिया का। देखिए, जब किसी व्यक्ति की तुलना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो जिसकी तुलना की गई है उस व्यक्ति के नाम या वस्तु के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे मैं कहता हूं गांधी इज मार्क्स ऑफ इंडिया, नहीं मार्क्स मैं बोल रहा था, तो मार्क्स नहीं, मार्क्स नहीं होगा, द मार्क्स होगा। जैसे कहते हैं यू आर सलमान खान ऑफ बिहार, वह या आप बिहार के सलमान खान हैं, तो आपकी तुलना सलमान खान से की गई है, तो जिससे तुलना की गई है उसके पहले क्या होगा, आर्टिकल द होगा, है ना। तो मैं कह रहा था माई ब्रदर, मेरा भाई श्रवण कुमार है मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का श्रवण कुमार है। कौन है, तुलना किससे हो रही, श्रवण कुमार से, तो उस व्यक्ति के नाम पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। नॉर्मली के
किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर किसी से तुलना की जाए तो आर्टिकल द का यूज करेंगे हम, ठीक है, जिससे तुलना की जाएगी। क्या द श्रवण कुमार, यानी कि कोई गलती नहीं है इसमें, यहां तक सही, माई ब्रदर इज द श्रवण कुमार, श्रवण कुमार है आधुनिक भारत का, कोई गलती नहीं है, नो एरर, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। आई ऑलवेज ट्राइड, मैं हमेशा चाहता था, सॉरी आई ऑलवेज वॉन्टेड, मैं हमेशा चाहता था रहना दिल्ली में। देखिए किसी भी प्लेस की अगर बात करें, कोई भी प्लेस का जो होता है नाम, या कोई भी प्लेस प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं होता है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ये तय है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आई तो आई ऑलवेज वॉन्टेड, मैं हमेशा चाहता था रहना इन द डेली, नहीं इन डेली, किसी भी व्यक्ति या जगह के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंट इज गेटिंग वर्स बाय डे बाय डे या एवरी डे, एनवायरमेंट इज गेटिंग वर्स, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो वर्ड है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट है ना, यानी कि एनवायरमेंट, एक वर्ड है एटमोस्फेयर, इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज हमेशा होना चाहिए। एनवायरमेंट और एटमोस्फेयर के पहले आर्टिकल द का यूज होना ही चाहिए, है ना। तो एनवायरमेंट की जगह क्या हो जाएगा, द एनवायरमेंट इज गेटिंग वर्स, एनवायरमेंट बदतर हो रहा है। आई विल रीच देयर, मैं पहुंचूंगा वहां, एट द दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर, गलत, दिल्ली एयरपोर्ट किसी जगह का नाम है, और किसी जगह के नाम क्या जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो ये गलत है, द का यूज नहीं होगा, आर्टिकल द का यूज। ये क्वेश्चन शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा मुझे दिखने में दिक्कत हो रहा है, बट मैं देखता हूँ, काम चला लूंगा। कैन यू रिटर्न बुक दैट आई गैव यू, क्या आप वापस कर सकते हैं किताब, किताब जो मैंने दिया आपको। देखिए ऐसे भी कोई भी नाउन अगर है दिया गया सेंटेंस में, और नाउन अगर काउंटेबल है, नाउन अगर काउंटेबल सी एन टी है, तो ए एन या द किसी का भी यूज तो होना ही चाहिए, आर्टिकल ए एन या द का यूज होना ही चाहिए। नाउन अगर सिंगुलर है और काउंटेबल नंबर में है, सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नंबर है, वो काउंटेबल नाउन है, ए एन या द का यूज होना ही चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट गलत तो है, हर हाल में चाहे जो हो जाए गलत तो है, क्योंकि यहाँ पे केवल बुक लिखा हुआ है। कैन यू रिटर्न, क्या आप वापस कर सकते हैं किताब, किताब जो मैंने दिया आपको लास्ट मंडे, पिछले सोमवार। देखिए जब कोई वस्तु पर जोर डालना हो, मान लीजिए कोई थिंग है, कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर जोर डालना हो, जोर डालना हो, है ना, इंसिस्ट करना हो, इंसिस्ट करना, जोर डालना हो किसी वस्तु वस्तु पर, तो क्या करते हैं, उस वस्तु से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं हम लोग, है ना। कैन यू रिटर्न, क्या आप वापस कर सकते हैं किताब, नहीं बुक, नहीं द बुक, कैन यू रिटर्न द बुक, क्या आप वापस कर सकते हैं वो किताब, दैट आई गैव यू, जो मैंने दिया आपको पिछले मंडे को, तो कैन यू रिटर्न बुक, नहीं क्या हो जाएगा, द बुक, कैन यू रिटर्न द बुक। जब किसी वस्तु पर जोर डाला जाता है, यह वही लड़का है जिसे मैंने देखा था, ही इज बॉय हुम आई हैड सीन, नहीं ही इज बॉय हुम आई हैड सीन, ये नहीं, ही इज द बॉय हुम आई हैड सीन, यह वही लड़का है जिसे मैंने देखा था, ठीक है ना।
रेखा इज स्मार्टर ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ टू सिस्टर्स। देखिए सी डी एडजेक्टिव हो, यानी कि कॉम्पेरिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के लास्ट में ई आर लगा हो या मोर लगा हो स्टार्टिंग में, मोर प्लस एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव के लास्ट में ई आर लगा हो। सी डी एडजेक्टिव का यूज अगर दो व्यक्ति सेलेक्शन फ्रॉम टू पर्सन्स और थिंग्स, सी डी एडजेक्टिव का यूज अगर दो व्यक्ति या वस्तु के बीच सेलेक्शन के लिए किया जाए, सी डी एडजेक्टिव का यूज अगर दो व्यक्ति या वस्तु के बीच से सिलेक्शन के लिए किया जाए, दो ही व्यक्ति या वस्तु में से किसी को चुनना है आपको, तो वहां पर क्या होगा, सी डी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज करना होगा। जैसे कहते हैं रेखा इज द स्मार्टर ऑफ टू सिस्टर्स, यानी कि दो बहनों में रेखा क्या है, स्मार्टर है, तो रेखा इज स्मार्टर है, रेखा इज द स्मार्टर। हो गया, ये क्वेश्चन बहुत डीवीआई है, आप लोग देखते होंगे प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। आइए अगला सवाल है, दीज एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ये कार्य आर रिगार्डेड, रिगार्ड किया जाता है एज ऑफेंसिव, नहीं एज ए ऑफेंसिव, नहीं एज एन ऑफेंसिव, क्योंकि ऑफेंसिव 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 ओ आ ए आया है, यानी कि आर्टिकल ए नहीं होगा, क्या होगा, एन होगा। चलिए अब अगला सवाल है, देर वेर मेनी गर्ल्स एट द फेयरवेल पार्टी बट राधा बिकेम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देखिए जब किसी सेंटेंस में फॉर्मेट ऐसा हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का फॉर्मेट हो, तो पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाना चाहिए। जब भी किसी सेंटेंस में स्ट्रक्चर आता है इस तरह का, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज जरूर किया जाना चाहिए। जैसे बॉयज ऑफ पटना, ये गलत है, क्या होगा, द बॉयज ऑफ पटना, जैसे प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, नहीं द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए राधा वॉज, राधा राधा बिकेम, राधा बनी ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नहीं द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और एन यूनिक परफॉर्मेंस, नहीं और यूनिक परफॉर्मेंस, अभी मैंने बताया यूनिक को लिखते भले वोवेल स्टार्ट करते हैं बट यूनिक यो पढ़ते हैं हिंदी में, प्रोनाउंसिएशन यो कॉन्सोनेंट की तरह, इसलिए एन नहीं होगा, ए हो जाएगा। आई आई लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे ज्वाइनिंग देयर, मैंने थोड़ी देर पहले इससे एक पहले भी इससे पहले भी आज के ही वीडियो में एक वीडियो है आज का, वो देखेंगे, देखा होगा आप लोगों ने, देखेंगे उसमें भी मैंने जिक्र किया था आज, सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट के बाद अगर बिफोर आ जाए तो हिंदी के अब भर प्लस ते हुए, या नहीं तो बिफोर क्वालिफाई करेगा ऑब्जेक्ट को। तो मैं रवाना हुआ मुंबई के लिए संडे को, ज्वाइन करते हुए वहाँ या ज्वाइन करने के लिए, यानी कि भर प्लस ते हुए सेंस नहीं देगा, अगर काम फ्यूचर में होगा, अगर काम फ्यूचर में होगा, हुआ नहीं है तो फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग टू प्लस भी वन का यूज करते हैं, फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग टू प्लस भी वन का यूज करते हैं, तो ज्वाइनिंग देयर के जगह क्या हो जाएगा, टू ज्वाइन देयर ऑन मंडे, ज्वाइन करने के लिए। When I entered the class, जब मैं क्लास में एंटर किया, I became anxious, मैं चिंतित हो गया, because it comprised of 100 students. एक चीज जानना चाहिए,
हैं तो बहुत सारे, दो मैं लिख रहा हूं जो ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में, कंप्राइज ऑफ नहीं लेता है, ठीक ना, नो प्रेपोजिशन, कंप्राइज नो प्रीपोजिशन, शामिल करना रखना, एक वर्ड द अवेट, इंतजार करना, फोड़ लगा के देगा ये लेता नहीं है, इसके लिए भी क्या होगा, नो प्रीपोजिशन। एक क्लास में मैं बता दूंगा ऐसे कितने वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, नो प्रीपोजिशन, ये सही है, अवेट टेक्स नो प्रीपोजिशन। वेट फोर हो सकता है, अवेट फोर नहीं होगा, सीधा अवेट समवन होगा, तो कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे हम लोग। अगला है हैविंग लिव्ड इन यूके, यूके में रहकर 10 साल के लिए, माई फ्रेंड इज यूज टू, मेरा दोस्त अभ्यस्त है, यूज टू से पहले अगर इजमा आ जाए तो यूज टू क्या बनता है, एडजेक्टिव, और अगर यूज टू या हैबिचुअल टू, यूज टू हैबिचुअल टू और कस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, एक्लिमेटाइज टू, ये सभी अगर एडजेक्टिव होते हैं, होते हैं एडजेक्टिव, अपने बाद क्या लेते हैं, बिफोर, अपने बाद क्या लेते हैं, बिफोर लेते हैं। तो रहकर यूके में 10 साल के लिए मेरा फ्रेंड आदी है या अभ्यस्त है, टू स्पीक इंग्लिश नहीं, टू स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के आदी है। आई वॉज अनेबल टू फाइंड अ गुड हाउस, मैं अयोग्य था खोजने में अच्छा घर मुंबई में, ड्यू टू मी बींग फेल्ड, मी बींग स्ट्रोंगर, नहीं स्ट्रेंजर, नहीं, देखिए अगर आगे बिफोर दिया हुआ है तो ये जानना चाहिए, माई योर आवर हेव हर योर डियर, इट्स, इन सब के बाद बिफोर होता है, यानी कि पॉजिटिव केस के बाद बिफोर होता है, ऑब्जेक्टिव केस के बाद बिफोर कभी भी नहीं होता है। तो मी बीइंग फेल्ड नहीं, माई बींग फेल्ट, कहता है मैं अयोग्य था अच्छा घर खोजने में, के कारण, किसके कारण, मेरे अजनबी होने के कारण, माई बींग, ड्यू टू माई बींग स्ट्रेंजर, मेरे अजनबी होने के कारण, ही फेल टू सिक्योर अ गुड रैंक, वह असफल हो गया सिक्योर करने में अच्छा रैंक, क्योंकि ही, जब से उसने हार्ड वर्क किया, असफल हो गया हार्ड वर्क करने में, सिंस ही असफल हो गया अच्छा रैंक प्राप्त करने में, सिक्योर अ गुड रैंक, वह असफल हो गया सिक्योर करने के लिए अच्छा रैंक, जब से उसने कड़ी मेहनत किया, ये कॉन्ट्रास्ट है, और कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट यानी कि इस सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधाभास है, विरोधाभास को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हमेशा दो सेंटेंस के बीच कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए हम लोग कंजंक्शन ऑल दो का यूज करते हैं, ऑल दो या दो, है ना, वह असफल हो गया ही फेल्ट सिक्योर करने में अच्छा रैंक, ऑल दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि इसने बहुत कड़ी मेहनत की वह असफल हो गया। अ पेयर ऑफ शूज हैव बिन की जगह क्या होगा, हैज बिन, एक बात और जान लीजिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर ये बनता है सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करना हो तो हमेशा पहले वाले के अनुसार होगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन अगर सब्जेक्ट बन जाता हो और वर्ब का यूज करना हो तो नाउन क्या होगा, पहले वाले के अनुसार होगा, वहां पर पेयर है, पेयर के लिए क्या होगा, हैव बिन की जगह हैज बिन। आई लव सचिन तेंदुलकर दिस मच बिकॉज, दिस मच नहीं सो मच होगा, बिकॉज आई थिंक ही इज बेस्ट प्लेयर, नहीं ही इज द बेस्ट प्लेयर, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज हमेशा किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव एज, यानी कि एस डी एडजेक्टिव, ई एस टी या मोस्ट लगा हो तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज हमेशा किया जाएगा। यू कैन नॉट कॉल हिम एज अ फूल, आप नहीं कह सकते हैं उसे, है उसे मूर्ख, एक चीज जानिए, बहुत ही भी अच्छा सवाल है ये, जानना चाहिए सबको, कॉल अपॉइंट मैक,
के बाद जो सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले एन या ए का यूज नहीं होता है। कॉल मैक या अपॉइंट के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होता है, ठीक ना? आर्टिकल ए या एन का यूज होता ही नहीं है, तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? यू कैन नॉट कॉल हिम अ फूल, आप उसे नहीं कह सकते हैं मूर्ख। आई कॉन सॉरी यू कैन नॉट कॉल हिम एज अ फूल की जगह यू कैन नॉट कॉल हिम फूल, ये सही होगा, ए का यूज नहीं करेंगे। आई वॉज हैप्पी विद द वर्क एंड एनवायरमेंट देयर बिकॉज आई वॉज सुपीरियर देन, नहीं सुपीरियर टू, बहुत बीवी आई है, ये भी एग्जाम्स में बहुत आते हैं। सुपीरियर, जूनियर, इन्फेरियर, प्रायर, पोस्टेरियर, इन सब के साथ देन नहीं आता, टू आता है, ठीक है ना? आई वॉज सुपीरियर देन माई कलीग, नहीं आई वॉज सुपीरियर टू माई कलीग, मैं अपने कलीग से सुपीरियर था। सी ऑलवेज थ्रोस टेंट्रम्स ऑन अदर्स एज सी बिलोंग्स, क्योंकि वह बिलोंग करती है टू ब्लैक ब्लड। देखिए ब्लैक ब्लड कोई वर्ड नहीं है, ये इडियम होता है ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड नहीं होता है, क्या होता है? ब्लू ब्लड होता है, इट्स नॉट ब्लैक ब्लड, इट्स ब्लू ब्लड, ये क्या होना चाहिए? इडियम होता है ब्लू ब्लड, राजघराने से होना या अमीर खानदान से होना, पुलिंग परिवार से होना। द मैन ट्राइड टू ट्राई वंस अगेन आफ्टर ही वेयर फेल्ड, ये आफ्टर ही वॉज फेल्ड, ये गलत है, ही वर की जगह ही वॉज, सबिट सिंगुलर भर सिंगुलर, बहुत आसान सवाल है। द कंप्यूटर टेक्स वन सेकेंड्स, नहीं वन सेकेंड, ये बहुत इजी सवाल है, वन है तो वन के साथ सिंगुलर नाउन होगा। द इनॉग्यूरेट ऑफ द न्यू शॉप, देखिए आगे नाउन है ऑफ आवर न्यू शॉप, यहाँ पे द लगा हुआ यानी कि नाउन आएगा, लेकिन इनॉग्यूरेट होता क्या है? इनऑग्यूरेट का मतलब होता है शुभारंभ करना, ये मेन वर्ब है भाई साहब, ये मेन वर्ब है इनऑग्यूरेट, इनऑग्यूरेट मेन वर्ब है, और मेन वर्ब कभी नाउन नहीं बन सकता, नाउन तो बन नहीं सकता। ये कुछ वर्ड होते हैं जो नाउन भी है मेन वर्ब भी है, जैसे वर्क हेल्प नाउन भी है मेन वर्ब भी है, कॉल नाउन भी है मेन वर्ब भी है, लेकिन इनॉग्यूरेट नाउन नहीं है। इसका नाउन क्या होता है? इनॉग्यूरल, ये होगा द इनॉग्यूरल ऑफ आवर न्यू शॉप, या इनॉग्यूरेशन कह लीजिए, इनॉग्यूरेशन, इनॉग्यूरेशन ऑफ आवर न्यू शॉप, शुभारंभ हमारे नए शॉप का, अच्छा हो जाएगा ये। आई द सूटकेस दैट यू पिक्ड फ्रॉम द बस स्टैंड डज नॉट बिलोंग, डू डस के बाद हमेशा भी वन आता है, तो बिलोंग की जगह क्या हो जाएगा? बिलोंग, सुपर इजी क्वेश्चन है। द एटमोस्फेयर ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट का एटमोस्फेयर जो है हैज बिकम वेरी पॉइजनस, बन गया है बहुत पॉइजनस आजकल। एटमोस्फेयर से पहले आर्टिकल द लगा है, सही है, एटमोस्फेयर और एनवायरमेंट से पहले आर्टिकल द का यूज हमेशा करना है, सही है ये, ऑफ आवर प्लैनेट, ठीक है, आवर्स लगा हुआ है, आर्टिकल द नहीं करेंगे। माई, योर, आवर, हिज, हर से पहले आर्टिकल द नहीं करना है। ही इज द बेस्ट फ्रेंड, ये सही है, लेकिन ही इज द माई बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं होगा, माई लगा हुआ है इसलिए आर्टिकल यूज नहीं करेंगे आप, यहाँ भी सही है। Has become, कोई गलती नहीं इसमें, नो एरर, इस प्रश्न में कोई भी गलती नहीं है। खैर इस सेशन में मैंने 25 क्वेश्चन लिए थे और 25 के 25 क्वेश्चन आसान थे, डुएबल क्वेश्चन थे और सीखने वाले क्वेश्चन थे, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। मैंने आर्टिकल के या और उसी चैप्टर के उन प्रश्नों को लिया जो एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़रूरत है आपको ध्यान देने की, अगर आप ध्यान देंगे
तो वाकई में आप अच्छा कर पाएंगे। ग्रामर के किसी भी क्वेश्चन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं ट्रम्प कार्ड से, संदीप नवेल से। अगर आपको डाउट लगे, कुछ सवाल पूछना हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और किसी को वो ट्रम्प कार्ड ज्वाइन करना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं ट्रम्प कार्ड कटिहार सत्संग मंदिर के नज़दीक गामी टोला में। यह है SSC बैंकिंग या LIC या डिफेंस या किसी भी ऐसे एग्जाम्स जहाँ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए आप संपर्क कर सकते हैं ट्रम्प कार्ड से। अब तो खैर एक और सूचना मैं देना चाहूँगा, एक्सपेक्टेड है यह बात कही जा रही है और बहुत बहुत हद तक सही है कि अब मैं रेलवे भी इंग्लिश पूछेगी। खैर अभी कुछ भी निश्चितताओं कहा नहीं जा सकता, पूछा गया तो भी ठीक, नहीं पूछा गया तो भी ठीक, बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप एग्जाम्स ऐसे देना चाहते हैं जहाँ इंग्लिश क्वेश्चन न पूछे जाएं, बहुत अच्छा फील करते हैं आप वहाँ पर, लेकिन बाद में ऑफिशियल वर्क जब कर रहे होते हैं तो अफसोस फील करते हैं। इससे मैं कहूँगा कि अफसोस फील करने का मौका ना आने दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक और बात, जिन बच्चों को लगता है कि पढ़ाई करके क्या होगा, कितना पढ़ेंगे कितना पढ़ेंगे, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 1-1.5 साल पढ़ना है पढ़ लीजिए, 1 साल 1.5 साल 2 साल पढ़ना पड़ सकता है, पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ना पड़ेगा ये जान लीजिए। लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे तो पूरी ज़िंदगी काम जरूर करेंगे और घिस घिस के काम करेंगे आप, तो और वो भी मजदूर की तरह काम करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आज 2 साल सब कुछ छोड़कर सारे ऐसो आराम, सारे दोस्त, सारे ऐसी चीज़ जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इन चीज़ों को छोड़कर अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, इसमें कोई दाग नहीं है। अपने हर वो शौक, अपने हर वो पसंद की चीज़ें पा पाएंगे जो आप चाहते हैं। आज आज 2 साल के लिए इन सब चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, बाकी आप देखेंगे उसके बाद कोई भी चीज़ें आपके लिए बड़ी नहीं होंगी अगर एक बार अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए आपका। लेकिन अगर अभी उन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो अभी भी भागेंगे और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भागेंगे इन 2-3 साल के बाद, और बहुत बहुत अफसोस होगा आपको। तो ज़िंदगी को ख़राब ना कीजिए, अभी 2 साल ख़राब कर लीजिए, बाकी का 40-50 साल बहुत बहुत अच्छा होगा आपका। अभी का 2 साल बचाना चाहेंगे तो बाकी का 50 साल ख़राब हो जाएगा आपका, ये तय है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।